मैं आवे फगड़ जिची वारी आवा रोज हर साल। हाँ उत्साह होता है उनके अंदर तो भाई जोधपुर में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ गुलाल उछाड़ी जाती है पुजारी गुलाल उछाड़ मंदिर रोज हाजिरी लगावा और यारो लगे शाम खुद साथ होली खेल रहे हमारे। कर जोधपुर जल को जोधपुर जो मैं हूँ आदित्य आपरे साथ है। आप वृंदावन बरसाणेरी होली रा नाम सुनया होला या जयपुर रे गोविंद देव जी मंदिर रे होली रा नाम सुनया होला, लेकिन जोधपुर में भी एक ऐडो मंदिर है जटे जी को बरसों पुरानो है और अटेरी होली भी विश्व विख्यात है। दूर दूर से लोग आवे सिर्फ और सिर्फ जटे एक महीने हो रहा चढ़िया करे वह खेलने वास्ते। ऐडो बतायो जावे कि इन मंदिर जी की मूर्त है वह दहेज में आयोड़ी है। बिल्कुल कुछ लोग पहचान गया वाला, मैं बात कर रही हूँ जोधपुर रे प्रसिद्ध जुन्नी मंडी में बसेड़े जुन्नी मंडी में स्थित गंगश्याम जी रे मंदिर रे। कई इतिहास है होरिया कत्सु चलू होवे सारी बात मैं जानू लाडरे जी का महाराज है। सर कई नाम है आप रो उनासा मुरली मनोहर पुजारी। तो आप पहले तो सबसे पहले बताओ इन मंदिर इतिहास रे बारे में। राव गंगो जी की शादी हुई जोधपुर दरबार थे, राव गंगो जी उनकी शादी हुई थी सिरोही, वहाँ सिरोही की रानी जी जो देखिए आप महारानी पद्मती जी उनका विवाह हुआ था उसके साथ देश में ठाकुर जी जोधपुर पधारे थे। वो अनंत भक्ति श्याम की उन्होंने अपने पिता श्री से मांग की कि भाई ठाकुर जी को मैं अपने साथ जोधपुर ले जाऊंगी, तो उन्होंने कहा मैं तेरी निशानी समझ के बेटा इनकी सेवा पूजा करूंगा और याद आएगी तेरी तो ठाकुर जी के यहाँ बैठ के निमाड़ा फिरूँगा करूँगा, नहीं मैं तो ठाकुर जी को अपने साथ जोधपुर ले जाऊँगी। तो ठीक है अगर तेरी शक्ति है तो ले जा। तो ठाकुर जी उसी वक्त नाचते कूदते रथ में विराजमान हो गए जोधपुर पधारे। जोधपुर में कई टाइम तक वहाँ मेहरानगढ़ में थे जहाँ भैरू जी है काला गोरा भैरू उनके पास विराजमान थे, वहाँ मांसाहारी चीज़ों का उपयोग होता था दारू मांस, इसलिए रानी जी ने वहाँ वैसे हटा के यहाँ मंडी में हमारे लाभ तो समाज का परिवार सब रहता है यहाँ पे उनके यहाँ विराजमान रहे काफ़ी टाइम तक। उस टाइम तक युद्ध वगैरह हुए हुए आपस में, सामने एक बहुत पुराना मंदिर है घनश्याम जी का विष्णु भगवान का है, वो वहाँ पे विराजमान रहे ठाकुर जी को कई टाइम तक। फिर एक बार युद्ध हुआ उस समय राजा विजय हुए तो जोधपुर दरबार ने 625 रुपया भेंट की, उन 625 रुपयों से 700 साल के बाद ये मंदिर बन के तैयार हुआ वसंत पंचमी 1818 में। वसंत पंचमी के दिन स्थापना हुई, उस दिन वसंत पंचमी के दिन ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार होता है जो जयपुरिया बेस कहते हैं जिसे, खिड़किया पाक और जामा पहनते हैं ठाकुर जी साल में एक बार और जनेऊ भी धारण करते हैं, कुक्कू से भी पूजा होती है ठाकुर जी के एक साल में। 45 दिन तक ये होलिया का कार्यक्रम इस मंदिर में चलता है, आते जाते रास्ते में जो भी व्यक्ति आता है उनके दिल में ऐसी जगह हो जाती है कि वो कुछ भी लेने के लिए आता हो तो मंदिर के अंदर जरूर आ जाता है होलिया सुन के। रात को 11 बजे ठाकुर जी की प्रसिद्ध जो गुजरी है वो गुजरी गाई जाती है, उसमें सारे शहर के भक्त आते हैं और आनंद लेते हैं। 45 दिन तक ये कार्यक्रम चलता है, पांड्या नृत्य के बाद संपूर्ण होता है। अब होरियारी बात करी, होरियारो इतिहास बताओ, मतलब किन टाइम से होरियाँ अटे शुरू हुई की कर अटे होलियाँ खेली जा करे उनके बारे में बताओ आप। सबसे पहले तो जोधपुर महाराजा मानसिंह जी द्वारा रचित है ये सब होलियाँ और विश्व में प्रसिद्ध है हमारे घनश्याम जी मंदिर की होलियाँ। हर एक के जबान पे आ जाती है ये होलियाँ, इतनी अच्छी होलियाँ मैं कैसे होली खेलूँ रे सांवरिया तेरे संग, बिल्कुल अब मैं क्या करूँ रे सांवरा मारी आखड़िया ने बरते हैं। तरह तरह के गायन हैं जो महाराजा मानसिंह जी ने गाए थे वो आज तक यहाँ चलते हैं, इसमें कोई फेरबदल नहीं होता। कुछ एक जमाने के हिसाब से नहीं हो रहा गायन होता है, वो रात को होता है गुजरी गायन होती है, उसके पहले 11 बजे गुजरी गायन होता है, उससे पहले हो रहा गायन होती है, सब भगत आते हैं। चरम पे है अभी तो मेला ये ठाकुर जी का आवली 11 के दिन और होली के दिन, ये 5 दिन इतने अच्छे मेला होता है। पांड्या नृत्य होता है रंग पंचमी के दिन, शाम को रंग का कार्यक्रम होता है 5 बजे रंग धुलेंगे, अब सब आम भक्त बैठे रहेंगे उनके ऊपर सिर्फ पुजारी धोलते हैं आपस में, यहाँ हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, कुछ अगर बच्चे हैं आपस में ऊपर से गुलाल उड़ाते हैं तो उनको समझा देते हैं, बाकी हमारे यहाँ की परंपरा यही है कि पुजारी प्रसादी देते हैं सब भक्तों को और भक्त आनंद लेते हैं।
रात को पांडे ने तो उसके बाद में संपूर्ण हो जाता है मेला। अच्छा पिछले साल की बात है कि उन वक्त कुछ जी का असामाजिक तत्व होवे हुड़दंग भी मचायो जिन वजह से इन बार वो फैसलो लियो गयो कि जी का विशेष दिन होला उन टाइम ही होली खेला ला और जी का मेन मेन जी का आवे भक्तजन वाने साथ ही खेला ला। पचे पाछो आदेश आयो निर्देश आयो कि नहीं होली पूरे महीने चलनी चाहिए तो इन बार कई सुरक्षा का इंतजाम है मंदिर तरफ हूँ प्रशासन की तरफ हूँ उनके बारे में बताओ कि ताकि असामाजिक तत्व जी का आए वह हुड़दंग नहीं मचावे माता बहना जी की आवे वे आराम से होली खेल सके। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे हैं आ जाते हैं वो उत्साह होता है उनके अंदर तो भाई जोधपुर में ऐसा कई मंदिर नहीं है जहाँ गुलाल उछाड़ी जाती है पुजारी गुलाल उछाड़ते उनको ये मालूम नहीं था कि भाई पुजारी ही सिर्फ गुलाल उछाड़ते वो चलो अपन भी आनंद लेते हैं। बच्चे हैं पुलिस का व्यवस्था अच्छा है देवस्थान विभाग भी इसके ऊपर ध्यान देगा अब की बार और 21 तारीख से लेकर पांडे नृत्य होगा ना तब तक वो पुलिस व्यवस्था बारे यहाँ मकुल रहेगी। देखो आगे और भी व्यवस्था करते रहेंगे प्रशासक सक्रिय है यहाँ का पुजारी भी सक्रिय है। तनठा है घनश्याम जी के बारे में या अच्छा वो बताओ कितने साल आ रहा होते मतलब साल हो गया मतलब याद नहीं है। अच्छा देवी राणा है मोने मुन्ना सा अब रहो बात करी मैं जवाई है अपना हां जवाई है बोला जर तो आना ही पड़ेगा जर तो बजाओ नहीं पड़ेगा हां बेटी है जवाई है बेटी रास रोए बेटी बेटी देती है मैं कहीं देवा दो से बना दियो और टेड ठाकुर जी की सेवा में और दी ठाकुर सेवा में और तो कर जावा उम्र बीच की जब बीच जाए ठाकुर जी सेवा में बीत नहीं है मोटर बाबू गए खुद गया जब जब गई ओ तो अभी देखो जी तो छोड़ गए हां अच्छा ठाकुर जी है ठाकुर जी तो हैं ध्यान रखे तो से बना दियो हां अबे बाबा कर दो इतना देख लियो पढ़ लेते कौन देख तो होने निशन भी चढ़नी है तो चढ़नी है चढ़ाई तो चढ़ दिया चढ़ा दी ठाकुर जी यानी अपन तो ध्यान रखने वालों ठाकुर जी चढ़ाई सा जरूर। अच्छा मैंने बताओ हो रिया रे बारे में क्या वो हर साल हो रिया खेलने अठे महीने कैडी लागे तेरी हो रिया बहुत बढ़िया लागे तो ना वे कोई गीत हो रिया रो अबे ओरे गावी जाई एक एक गार बता दो एक तो गार बताओ ठाकुर जी वास्ते कई कई नाम है आप पार्वती देवी अठेरे जोधपुर आई हो मैं पाली आया बारू आया पाली आओ होली खेलने हां पाली आया तो कितो टाइम हो गया ना होली खेलने आ रिया हो कितो टाइम है हो गया भाई मान तो काफी टाइम हो गया 40 साल हो गया 40 साल तो थे जोधपुर मायको है थानो की पाली रहो थे मैं अठारह गया पर जान जोधपुर बस गया नहीं पाली बस गया पाली बस गया होली में होली तो प्रेम ही तो है कि आना पड़े ठाकुर बुलावे आपकी क्या बोला होली के बारे में ठहरी 35 साल हुआ आ रहा मैं अच्छा बिल्कुल पाल हो थे भी नहीं मैं पाल हुआ हूँ अच्छा पाल 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 रोड डीपीएस सामी वटू आया हूँ आप बताओ आप होली के बारे में बताओ कि पूरे महीने आओ या सिर्फ कोई विशेष दिन हुए उन दिन ही आओ आप मतलब होली आवे आवे फागण जीती वारी आवा रोज हर साल हां कितना टाइम हो थाने माने होगा 30 साल हैं गाते नहीं आओ थे साल हो गया आप कटू आउट जोधपुर ही हो सिटी में जैसा की जगह पुंगल पाड़ा अच्छा करने पड़े पैदल आओ दौड़ता पहले तो दिन में चार बार आ जाओ ऐसे आ रोहित तो पर्चो है तो भाव है मान लो गन तो बताओ कोई ऐड़े पर्चे के बारे में बताओ जी को थाने सुनड़ो भी होवे और देखड़ो भी होवे देखड़ो भी है बहुत जो भी आप मनोकामना मांगो आप पूरी करे से हम कोई ऐड़ी चीज नहीं है आप मांगो और से हम नहीं देवे आपने पूरे परिवार साथ आओ हो रहा है साथ आवा बिल्कुल सर पूरे महीने पूरा महीनों में तो बारह मास आवा अच्छा बिल्कुल बारह मास आवा होली रो तो बहुत ज्यादा ही है कभी मन नहीं बताना कि वृंदावन जार खेला या आटी खेला बिल्कुल खेलना है वृंदावन भी जाना हुआ लेकिन और वृंदावन है वो भी वृंदावन है आप जाओ वृंदावन जाना है दो तीन बार आप बताओ आपने कितना टाइम किया था आप तो हमारा तो बचपन यही निकला है हम तो खेलते भी यही थे सुबह देखो शाम देखो हम यही मिलेंगे तो लगे जब थे छोटे छोटे टाबरे भी थाना खेलता दिखे याद आवे मैं यूं खेलता हमें यार पहले खेल लाग जावा कदी कदी तो अच्छा कई नाम है सापरो उषा गर्ग अठे रही हो आप नहीं जोधपुर में आबू रोड आबू रोड होली खेलने आए उठे थे नहीं इधर मेरा ससुराल है लेकिन 22 साल से इधर आ रहे हम अच्छा हो रहा खेलने घनश्याम जी मंदिर बस दर्शन करने थोड़ा सा खेलते तो खेल लेते हैं बारे में सुनो खेलो लगे बहुत अच्छा लगता है मेरे बेटे को इतना शौक है अभी लेकिन इसका एग्जाम है इसलिए खेल नहीं पा रहा है वो तो बहुत टेंशन वाली बात हो जावे नहीं एग्जाम भी इन होली भी इन 16 को पूरा हो जाएगी बोलो 16 में पूरा हो जाएंगे फिर तो खेलनी है डब्बू फोड़ना ही है
अठे रह रही खेलनी है या अबू रोड जा रही खेलनी है? नहीं इधर ही, इधर ही खेलता हूँ मैं दरबार। इधर जैसा हमारा अबू रोड में भी नहीं है, क्या हो गया? जोधपुर जैसी होली कठी नहीं? जोधपुर के सारे तीज त्योहार बहुत अच्छे है यहाँ पे, मतलब अबू रोड आओ मनाओ होली थे। नहीं मैं आप सुलसरा ले भी आए। अच्छा पियर थाना अबू रोड है जर, तो मजा आ जाए थाने अठे होली खेलो। मैं तो गनगौर भी यही पूछी थी, होली खेली थी, खूब होली खेली हमने, सारा तीज त्योहार थे मना रिया उठे। आप बताओ आंटी जी, आप रोके नाम है? सुशीला जसलमेरिया। अच्छा कितने टाइम है क्यों था नेट होली मनाता? मैं तो आज 50 साल हो गया। 50 साल जोधपुर में रहती हूँ। अच्छा कैडी लागे अठेरी होली बारे में कई कहने से हमरे बराबर कटी नहीं है होली। कदी मन हुए कि मैं उठे जयपुर जा रहे गोविंद देव जी रे जार खेलूं या वृंदावन जार खेलूं? हां मन करता है पठाकुर जी के अठे यार खेलो। आज वृंदावन जाके आए जा रहे हैं वृंदावन, केडो लागे बटे एडो फील आवे गंगश्याम जी गोविंद देव जी का मंदिर, गंगश्याम जी जड़ी फील आवे कुछ अलग है? होलिया नहीं थी ऐसे ही दर्शन कर दर्शन। तो होली खेलन मन अठे ही है बारे भी जाने कदी वृंदावन दी जाने का है मन? जाओला बुलाई तो जाएंगे श्याम जी, अठे बुला रहे अठे बुलाई बट ही बुलाई जरूर जाएंगे। अपन गंगश्याम जी मंदिर में कितने टाइम से आ रहे हो और आप होरिया खेलन आओ जद केडो फील होवे थाने? मैं आटो लगभग 5 साल हो गया मन आवता ने श्यामरे मंदिर रोज हाजरी लगावा और यारो लागे शाम खुद साथे होली खेल रिया माने। केडो लागे कदी मन मन हुए कि यार अठे नहीं ने बारे जार होली खेला? नहीं सा बिल्कुल भी नहीं, अठेरी होली शाम रे साथे होली खेलनो आनंद आवे सा। और जैसे मैं सुने 45 दिन तक होली रो कार्यक्रम चलिया करे, पूरे 45 दिन आओ या कुछ दिन? नहीं सा कदी कदी एडो कोई काम हुए तो घरे भी रहनो पड़े सा, पर गुरुवार है एकादशी है अमावस्या है उन दिन जिन दिन होवे विशेष दिन तो आनो ही है सा। कासे टाइम होगी बहुरानी है थाना ए वा बिनरी हम आ होई गो बिनरी हाते आवणी शुरू होई है पहली आवता मार ननद है वे रहा तो। अच्छा पछे बिनरी ने लेना आया के चलो होली खेलो ठाकुर जी आते मने आउन लाग गी ताने देखने हरम। अच्छा ओ बताओ थे कितो टाइम है ताने अटे होली खेलतो और अटे होरी रे बारे में कई कहानी छ? तो काम इत खेला पर आती रहो मंदिर आती रहो। अच्छा होली ने तो भी आओ मंदिर थे? हां कई कहानी छ ओला ठाकुर जी? ठाकुर जी कदी थोड़ी मनोकामना पूरी करी अडो कुछ परचे रे बारे में बता दो चलो। अब बाबा चे वाला काल पूरी करनी है पूरी करनी है कई कई मांगे दो ठाकुर जी है एक कुंवारो एक बच्चो के उन्हें पना दो ठाकुर जी तो पना दिया तो एक पना ना है ठाकुर जी कहते ठाकुर जी कहते इतनी गोपिया है ठाकुर जी कहते इतनी गोपिया है एक दे ही थाने बोलो जय सामरी जय सामरी।